गोरखपुर महोत्सव 2019 में प्रतिभाग करने के लिए शनिवार को सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में 2 दिवसीय टैलेंट हंट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में गायन, वादन, नृत्य, एकल अभिनय एवं अन्य खुला आयु वर्ग में भारी संख्या में प्रतिभागियों ने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने की प्रक्रिया महानगर वासियों के लिए ऑनलाइन है। जिन कलाकारों को अपनी प्रतिभा में गोरखपुर महोत्सव में प्रदर्शित करना है, वे ऑडिशन के लिए सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। ऑडिशन में सुमन वर्मा, सारिका श्रीवास्तव, हरिप्रसाद सिंह, डॉक्टर शरद मणि, मिथिलेश त्रिपाठी और शिवदास चक्रवर्ती निर्णायक को की भूमिका में अपना योगदान दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गायक राकेश श्रीवास्तव ने कहा, जिसका चयन होगा आन मान सान
परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की जय। भारत में अच्छे नहीं और मेरा सबसे प्रश्न है कि आपको नहीं लगता भारत में अच्छे दिन आए भाई और बहनों? कल मैं चाय वाले के पास गया, मैंने बोला भाई चाय वाले मुझे एक गिलास मलाई मांग, उसने मुझे चाय लाके दी जो आधी बोला मोदी जी यहाँ पैसे ही। अब मेरा आप सबसे प्रश्न है क्या है गिलास चाय में पूरी गिलास चाय होनी चाहिए क्या? और अगर ऐसा करना है तो 2019 में भाजपा सरकार से बदलना। गोरखपुर महोत्सव का स्थानीय कलाकारों को मंच देने के उद्देश्य से टैलेंट हंट का ऑडिशन हो रहा है। इस टैलेंट में विभिन्न प्रकार के जैसे सुगम संगीत, लोक संगीत, समूह नृत्य, एकल नृत्य, नाट्य और इसके अतिरिक्त जो अदर टैलेंट हैं उन सभी प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से यह ऑडिशन लिया जा रहा है। ये लगभग हमको लग रहा है कि अभी सुबह से लगभग 300 प्रतिभागियों ने अपना ऑडिशन दे दिया है अलग अलग विधाओं में और ये अभी क्रम चलता रहेगा। ये क्रम कल भी 10 बजे से शुरू होगा। इसमें ऑनलाइन व्यवस्था की गई है लेकिन जो बच्चे अगर ऑनलाइन नहीं किए हैं वो सीधे यहाँ पर स्थल पर आ जाएं, यहीं पर रजिस्ट्रेशन करके उनका ऑडिशन लिया जाएगा और जो ऑडिशन में जिनको सिलेक्शन किया जाएगा उनको गोरखपुर महोत्सव के मुख्य मंच पर उनकी प्रस्तुति के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। जजों की कितनी टीम है? जजों की टीमें एक एक इवेंट में हमारे 3-3 जज हैं, कुल मिला के हमारे 6 इवेंट हो रहे हैं, कुल 18 जज इस समय हमारे ऑडिशन ले रहे हैं।